हेलो किड्स, वंस अगेन नाउ दिस क्लास इज ऑफ ईवीएस। अभी हमारी ईवीएस की क्लास है। आज हम ईवीएस की क्लास में सीखेंगे सम गुड मैनर्स। गुड मैनर्स क्या होते हैं? गुड मैनर्स होती हैं हमारी अच्छी आदतें, हमारा डिसिप्लिन। हम जब गुड मैनर मैनरिज्म में रहेंगे, अच्छे से बिहेव करेंगे, कभी तो हम एक गुड चाइल्ड, एक गुड स्टूडेंट बनेंगे। तो उसके लिए हमारे को कुछ मैनर्स सीखने पड़ेंगे जिनको हम ओबे कर सकें, जिनको हम अपनी आदत में डाल सके, ताकि हमारे को सब एक एज अ गुड स्टूडेंट और एज अ गुड चाइल्ड कहें। तो सबसे पहले हमारा गुड मैनर है वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब हमारे को सुबह जल्दी उठना चाहिए। आप लोग क्या करते हो सुबह? नहीं मम्मा, अभी थोड़ी देर और सोना है। नो, वी डोंट वॉन्ट टू वेक अप राइट नाउ, है ना? नो, आप सबको सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह रात को जल्दी सो टाइम पे और सुबह जल्दी उठो। सबसे पहला हमारा गुड मैनर था वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब हमारे को सुबह जल्दी उठना चाहिए। आज से कोई एक्सक्यूज नहीं करेंगे कि हमारे को सुबह जल्दी नहीं उठना। सब बच्चे जल्दी टाइम पे उठेंगे, तभी तो आप स्कूल टाइम पे आ पाओगे। देन सेकेंड गुड मैनर है हमारा ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। हम सबको हमारे जो टीथ हैं उनको दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए, वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन द नाइट। मतलब सुबह एक बार ब्रश करेंगे और रात को सोने से पहले भी हमारे को हमारे टीथ को ब्रश करने चाहिए। हमारे जब हम ब्रश करेंगे तभी तो हमारे टीथ स्ट्रांग रहेंगे और तभी हम तुम्हारा टेस्टी टेस्टी फूड खा सकते हैं, है ना? तो हमारे टीथ को स्ट्रांग रखने के लिए हमारे को हमारे टीथ को ब्रश करना चाहिए। कितनी बार? ट्वाइस अ डे, एक बार सुबह और एक बार रात को। फिर हमारा थर्ड गुड मैनर आता है एक्सरसाइज डेली। हमारे को रोज़ सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्यों? जब सुबह सुबह हम उठते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रांग बनती है, हम स्ट्रांग बनते हैं, हमारा माइंड स्ट्रांग बनता है। तभी तो आप जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे से ग्रो करोगे और उसको अपनी जो पढ़ाई है उसको अच्छे से कर सकते हो, है ना? और तभी आपको जब एनर्जी मिलेगी एक्सरसाइज करने से तो आप खेलोगे भी अच्छे से। फिर आता है हमारा प्रे टू गॉड इन द मॉर्निंग। हमारे को सुबह उठ के सब फ्रेश होके बात करके नहा धो के हमारे को क्या है, गॉड से प्रे करनी चाहिए, गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू गॉड फॉर दिस न्यू डे, आपने हमारे को ये नया दिन दिया, हमारे को एक और मौका दिया कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए, हमारे को एक और इतनी सारी बर्ड्स दी, इतना सुंदर एनवायरनमेंट दिया, इतना सब कुछ, इतना अच्छा हमारे को, इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, हमारे को टीचर्स दिए ताकि हम कुछ सीख सकें। तो इसलिए हमारे को गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू गॉड, आपने हमारे को इतना सब कुछ दिया और हम अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे। सो आप सबको सुबह उठ के रेडी होके सबसे क्या, सब क्या करेंगे, सब गॉड को प्रे करेंगे और उनको थैंक यू बोलेंगे। फिर आता है हमारा गुड मैनर गो टू स्कूल रेगुलरली। सब बच्चे क्या करते हैं? नो मम्मा, आज हमारा जाने का मन नहीं है, आज सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, आज हमें स्कूल नहीं जाना है। नो एक्सक्यूजेस, सबको रेगुलरली स्कूल आना चाहिए। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट गुड मैनर होता है। आप जब स्कूल रेगुलर आओगे तभी तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकोगे, आपको न्यू फ्रेंड्स मिलेंगे, है ना? तभी तो आप स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, खेल सकते हो, नई नई चीज़ें सीख सकते हो। सो कम टू स्कूल रेगुलरली, नो एक्सक्यूजेस। आप खुद अपने पेरेंट्स को कहोगे, मम्मा पापा को कहोगे, मम्मा पापा आज हमारे को स्कूल जाना है, ओके? सो यू वी हैव टू कम स्कूल रेगुलरली, आप सबको स्कूल रेगुलरली आना है। देन कम फिनिश योर होमवर्क रेगुलरली। आपको स्कूल में जो भी होमवर्क मिलता है उसको आप डेली टाइम पे नीटली, साफ सुथरे, अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये आपका सेकेंड गुड मैनर है जो कि आपको कंप्लीट करना है। आपको अच्छे से आप जब होमवर्क कंप्लीट करोगे तो आपकी टीचर भी आपसे खुश होगी, आपको स्टार देगी, आपको अप्रिशिएट, आपकी तारीफ करेगी, आपको गुड बोलेगी, और तभी तो आप एक गुड बॉय या गुड गर्ल बनोगे, गुड स्टूडेंट बनोगे। सो यू हैव टू फिनिश योर होमवर्क रेगुलरली। देन कम्स प्ले टुगेदर एंड और शेयर योर
थिंग्स, मतलब हम सबको साथ में मिलजुल कर खेलना चाहिए और हमारे को हमारी जो चीज़ें हैं उनको शेयर करना चाहिए. शेयरिंग इज केयरिंग, मतलब हमारे को हमारी चीज़ें सबसे शेयर करनी चाहिए. ये नहीं कि ये सिर्फ मेरा है, सिर्फ मैं यूज़ करूँगा. नो, बैड हैबिट, दिस इज़ अ बैड हैबिट कि सिर्फ मेरा है. आपको आपका कोई भी टॉय हो, आपके कोई भी ईटेबल्स, आपको कुछ भी खाने का हो, आप अपनी ब्रदर सिस्टर, आपके जो भाई बहन हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ शेयर करोगे. ओके, देन कम्स वॉश योर हैंड्स बिफोर मील्स, मतलब हमारे को कुछ भी खाने से पहले हमारे हैंड्स को वॉश करना चाहिए. अगर हम हमारे हैंड्स को वॉश नहीं करेंगे तो हमारे हाथ में जो भी जर्म्स है वो हमारे कहाँ चले जाएंगे, स्टमक में चले जाएंगे. तो इसलिए हमारे को खाना खाने से पहले हमारे हैंड्स को वॉश करना चाहिए. जैसे कि आप इंटरवल में जब आपका रेसेस का टाइम होता है, आप अपने लंच से पहले क्या हैंड वॉश करने जाते हो, तो ऐसे आप घर पे भी खाना खाने से पहले आप हमेशा हैंड वॉश करेंगे. सो आज हमने कौन कौन से गुड मैनर्स सीखे, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर था ब्रश योर टीथ्स ट्वाइस अ डे, हमारे को दिन में दो बार हमारे टीथ्स को ब्रश करना है, फिर था एक्सरसाइज डेली, हमारे को फिट रहने के लिए, स्ट्रांग रहने के लिए डेली एक्सरसाइज करनी है, देन प्रे टू गॉड इन द मॉर्निंग, हमको रोज़ सुबह उठ के गॉड को प्रे करना है और उनको थैंक यू बोलना है कि आपने हमारे को ये न्यू डे दिया. वे गो टू स्कूल रेगुलरली, हमको रोज़ स्कूल जाना है, नो एब्सेंट नो बहाने. देन फिनिश योर होमवर्क डेली, आपको जो भी होमवर्क आपकी माँ आपको देती हैं वो आप रोज़ अच्छे से कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे होमवर्क को. प्ले टुगेदर, बता कि हमारे को हमारे फ्रेंड्स के साथ मिलके खेलना चाहिए, हमारी चीज़ों को शेयर करना चाहिए. फिर लास्ट था हमारा वॉश योर हैंड्स बिफोर मील्स, मतलब हमारे को हमारे हैंड्स जो हैं उनको वॉश करके ही हमारे को हमारा मील लेना चाहिए. तो आज हमने ये गुड मैनर्स सीखे और आप इन सबको अपने आप फॉलो करेंगे, आप ये लोग जो हैं ये अपना डेली लाइफ में इसको यूज़ करेंगे ताकि आप भी एक गुड स्टूडेंट बन सकें. ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे, बाय.